हेलो फ्रेंड, चलिए आज मैं आपको सिगरेट पेन कटिंग करके दिखाती हूँ किस तरीके से सिगरेट पेन कटता है। कपड़े को मैंने दो फोल्ड में ले लिया है। देखिए फ्रेंड, मैंने किस तरीके से दो फोल्ड में लिया है। हमारी पेंट की लंबाई है 30 इंच, हमने 30 इंच पर निशान लगा दिया और 3 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया इसमें हमने। ये टोटल हमारा 33 हो गया। देखिए 33 हो गया हमारा ये टोटल। इसी तरीके से हमने इधर से भी 33 लेना है और लाइनों को आपस में मिला लेना है। ये हमने लाइनों को आपस में मिला लिया। और फ्रेंड्स, हमारी हिप्स चाहे कितनी भी हो, हमें उससे 2 इंच ही एक्स्ट्रा लूजिंग मार्जिन लेना है। ये हमने लाइनों को मिला लिया। फ्रेंड्स, हमारी हिप्स है 36 इंच, हम 36 का 9 लेंगे। ये 36 का हमने 9 लिया, 9 पर निशान लगाया। इसमें हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा लूजिंग मार्जिन लेंगे। ये हमारा हो गया 10। टोटल हमारा ये हो गया 10 इंच, हमने लाइनों को मिला लेना है। और इसी तरीके से फ्रेंड, नीचे से भी हमने 10 ही लेना है, लाइन लगानी है और इस लाइन को लाइन से मिलाना है ताकि हमारी सीधी लाइन जाए। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से। और फ्रेंड्स, इसकी पैंट की लंबाई 30 इंच है, इसका आसन हम 10 लेंगे। ये हमने 10 इंच पर निशान लगा दिया और लूजिंग हमने यहाँ से आसन से हमने 2 इंच का लूजिंग लेनी है हमने। ये हमने लूजिंग ले ली 2 इंच की। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 2 इंच की लूजिंग हो गई और ये हमारा टोटल 12 हो गया। 12 का हमारा आधा जाएगा 6। हमने 6 पर निशान लगा के इसी तरीके से हमने ऊपर भी निशान लगाया 6 पर और इसी तरीके से हम नीचे से भी लगाएंगे 6 इंच पर निशान। इन लाइनों को आपस में मिलाएंगे, बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे। ये हमने सीधी लाइन खींचनी है। और हमारी मोरी है फ्रेंड 6 इंच और 6 का हम हमारी मोरी 6 इंच है। हम 6 6 हम बीचों बीच निशान लगाएंगे हम 6 पर मोरी पर। देखिए हमारी 6 इंच पर मोरी है। हमने इंची टेप को 3 पर रख के दोनों तरफ हमने निशान लगा दिया बिल्कुल 6 पर इस तरीके से। अब चलिए फ्रेंड, इस शेप पट्टी के मदद से हम इसकी गुलाई लेंगे। हम पैंट की बिल्कुल सीधी रखनी हमने, लाइन से लाइन अटैच करके। देखिए इस तरीके से शेप पट्टी की मदद से हमने निशान लगाना है इसका, इस तरीके से। और इसी तरीके से इधर से भी हमने शेप पट्टी की मदद से निशान लगाना है। फ्रेंड, जो लाइन है, लाइन से हम 2.5 इंच नीचे ही रहेंगे, शेप पट्टी को रखेंगे। ये लाइन है, लाइन से हमने 2.5 इंच के नीचे ही रखा हमने शेप पट्टी को, इस तरीके से हमने गुलाई देनी है। और आसन से फ्रेंड हमने 2.5 इंच पे गुलाई देनी, बिल्कुल हल्की सी गुलाई देनी है 2.5 इंच से। ये हमने 2.5 इंच पे गुलाई दी है, बिल्कुल ज़्यादा गुलाई नहीं देना, हल्की गुलाई देनी है। चलिए इसे काट के दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए फ्रेंड, चलिए मैं आपको अब बैक पल्ला काट के दिखाती हूँ, बैक पल्ला किस तरीके से कटेगा। ये हमने फ्रंट पल्ले को पिछा लिया हमने बैक पल्ले पर और हम बैक पल्ला 2 इंच के लूजिंग मार्जिन पर काटेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ से हमने 2 इंच का लूजिंग मार्जिन लिया। इसी तरीके से आसन से भी हमने 2 इंच का लूजिंग मार्जिन लाइन खींचते हुए लेना है। ये हमने लाइन खींच ली बिल्कुल सीधी। ये हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा लूजिंग मार्जिन लिया। इस लाइन को आसन की लाइन से मिलाएंगे इस तरीके से। अब इसको भी हल्की सी गुलाई देंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल हल्की गुलाई। ज़्यादा गहराई होने से फ्रेंड आसन खींचेगा हमारा। और इसी तरीके से मोरी से भी हम 2 इंच का एक्स्ट्रा लूजिंग मार्जिन लेंगे।
लगा दिया मैंने 2 इंच का एक्स्ट्रा लूजिंग मार्जिन, और शेप पट्टी से हम गुलाई देंगे इसकी। और इसी तरीके से नीचे से हम सीधा कर लेंगे और ऊपर से भी लाइन को हम आपस में मिलाएंगे इस तरीके से, बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे। चलिए फ्रेंड इसे काट के दिखाती हूँ मैं आपको, इस तरीके देखो काटो। आसन से बिल्कुल हल्की कटिंग देनी है फ्रेंड, बिल्कुल गहराई नहीं लेनी। देखिए फ्रेंड कितना आसान तरीका है। अब इसी तरीके से इसको भी हम थोड़ी सी हल्की सी लूजिंग मार्जिन लेते हुए कटिंग करेंगे। हम हल्का सा लूजिंग मार्जिन लेते हुए कटिंग करना है। ये जो जॉइंट है इसको अलग अलग कर लेना। देखिए फ्रेंड्स हो गई पैंट।